हेलो दोस्तों, ये है मेरी छोटी सी बगिया। और छोटी सी बगिया में क्या है आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आज सावन का पहला दिन है, पहला दिन का पहला सोमवार है। तो सावन की आप लोगों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर महादेव। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दिखाते हैं, सबसे पहले ये है मेरी तुलसी जी, तुलसी माता का पेड़ है। जय हो तुलसी माता। ये मेरी तुलसी माता का पेड़ है। आप लोग भी जानते होंगे तुलसी दो प्रकार के होते हैं, एक राम तुलसी एक श्याम तुलसी। तो ये मेरा श्याम तुलसी है। आज सोमवार का दिन है इसलिए मैं छू रही हूँ, नहीं तो रविवार के दिन नहीं छुआ जाता है। और मेरे पास राम तुलसी का भी पेड़ है, मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। कहाँ है, किधर है, आइए इधर। ये है थोड़ा नजदीक से, ये है राम तुलसी। ये देख सकते हैं इसका पत्ता जो है ना थोड़ा सा उजला उजला है। और ये है श्याम तुलसी, इसका जो पत्ता है ये थोड़ा सा श्यामला टाइप का है, इसलिए इसको श्याम तुलसी कहा गया है। और ये है गुलाब का पेड़ जो कि इसमें व्हाइट गुलाब निकलता है और ये गुच्छा गुच्छा में निकलता है। एक गुच्छा में कम से कम 10 फ्लावर होते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं दिखाऊंगी, ये है नींबू का पेड़ जो कि, और ये है नींबू का पेड़ जो कि मैं 4 साल पहले लगाई थी, अभी तक बस एक नींबू दिखा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, आप लोग के पास कोई उपाय है तो बताइएगा जरूर। फलता ही नहीं, बस एक नींबू दिख रहा है ऊपर में, वहां दिख रहा होगा। और ये है पपीता का पेड़, सबको पता होगा। और इधर है अमरूद का पेड़, ये मेरा अमरूद का पेड़ है जो कि अमरूद फला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये अमरूद का पेड़ है। और ये पपीता का पेड़ है जो कि अभी छोटा छोटा हुआ है। और इधर आइए, फ्लावर है, फ्लावर का पेड़ है। और ये है कच्ची पत्ता जिसे अरबी का पत्ता भी बोलते हैं, इसका सब्जी भी बनता है, पकौड़ा भी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। कंदा, कभी मैं इसका रेसिपी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और इधर एक और है अमरूद का पेड़, छोटा सा है लेकिन एक फला हुआ है। और इधर फिर एक और बड़ा सा अमरूद का पेड़ है। और इधर भिंडी का लगा हुआ है, भिंडी का पेड़ पौधा लगा हुआ है, भिंडी फलेगा। और ये है मेरा नींबू का पेड़ जो कि मैंने 4 साल पहले लगाई थी, अभी तक सिर्फ एक नींबू फला है, वो भी आप ऊपर में आपको दिखाते हैं। फलता ही नहीं, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बस एक नींबू फला है। इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आप लोग के पास कुछ उपाय है तो जरूर बताइएगा। चलिए तो इधर से निकल जाते हैं, जैसे सब भिंडी का पेड़ है लगा हुआ, टूट जाएगा। और ये है पपीता का पेड़, और ये है अमरूद का पेड़ जो कि फला हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा फल दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये अमरूद का पेड़ है, इधर ये पपीता का पेड़ हो गया, अभी छोटा छोटा पपीता दे रहा है। इधर आइए, इधर ये फ्लावर का ये पेड़ है, पौधा है। और ये हो गया कच्चू का पत्ता बोलते हैं हम लोग, ऐसे अरबी का पत्ता भी बोलते हैं, इसका पकौड़ी बनता है, सब्जी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसका रेसिपी मैं कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और इधर ये जो है ना, ये भिंडी का पौधा लगा हुआ है, अभी छोटा छोटा है। तो यही सब है मेरे बगान में। और कितना अच्छा लगता है ना जब घर से निकलते ही आंखों के सामने हरा भरा दिखता है, तो आंखों को कितना सुकून मिलता है, क्या ही बताए। और ये छोटा छोटा गुलाब का फूल खिला हुआ है, कितना मस्त है ना। इधर एक छोटा सा कली होने वाला है, इधर मतलब फूल होके सूख गया है। ये भी गुलाब का ही पौधा है, अभी इसमें भी छोटा छोटा कली हो रहा है। और ये है गेंदा का फूल, कितना अच्छा लग रहा है। इधर भी है, ये भी सब है, इधर भी है, दिखाइए, इधर भी है गेंदा का फूल। और इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एलोवेरा, देखिए एलोवेरा भी लगा हुआ है मेरे बगान में। उधर है पत्थर चट्टा का पेड़ है, जानते होंगे जिसके पेट में पथरी हो जाता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। तो ये है, चलिए बाय बाय। और ये है मेरी छोटी सी बगिया की नन्ही कली जो कि झूला हटा के तकिया लगा के झूला झूल रही है, अपना दिमाग लगा के। गिर जाएगी तो ना, गिर जाएगी तो नहीं गिरेगी, ठीक है, बाय बाय।
हरियाली।